टाटा पावर भी कई दिनों के बाद अब आपको थोड़ी मूव में दिख रहा है। क्या यहाँ ट्रेंड रिवर्स हो रहा है? एक चार्ट चेक देंगे केवल कि यहाँ पर आप एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं टाटा पावर में अब इन लेवल्स पर। जी प्रियंका जी, टाटा पावर मेरे लिस्ट में आज सबसे पहले वही था सुबह से। मैं उसको इसलिए देख रहा था क्योंकि वो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स, आज उसको क्रॉस कर रहा था। लेकिन अभी उसकी क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली क्लोज नहीं दे रहा है। अगर वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब मैं समझू कि 235-36 के आसपास भी अगर क्लोज आ गया होता, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो इमीडिएटली 245 एंड उसके ऊपर 257 का था। अगर लेना चाहता है तो प्लीज वेट करिए। अगर कल आपको ये 235 के ऊपर मिलता है तो 223 या 225 ₹10 के स्टॉप लॉस के साथ आप टाटा पावर में एंट्री करिए। आपका जो टारगेट है वो 245-258 के आसपास रहेगा। ओके ठीक है, टाटा पावर पर अभी फिलहाल कन्विक्शन व्यू नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे में क्या क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आपके? BTST के ट्रेड्स हैं केवल, क्या ऐड करेंगे यहाँ क्लोजिंग ट्रेड्स? जी प्रियंका जी, मैं ऐड करना चाहूंगा जो मोमेंटम स्टॉक्स है उसमें एक है Vault AMP। Vault AMP जो है वो काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है मुझे चार्ट पे। आप अगर इसको देखेंगे तो एक जो डेली उसका रेंज चल रहा था उसके ऊपर निकल के आया है। इसके जो इमीडिएट टारगेट्स है आप CMP पे बाय करिए। इमीडिएट जो टारगेट्स है वो रहेंगे 3410 और 3550 का, स्टॉप लॉस रहेगा ₹2700 का। ये मेरा एक BTST ट्रेड रहेगा। मैं STBT लेना चाहूंगा जो कि MRF जो है वो मैं STBT लेना चाहूंगा। आप अगर आज इसकी कैंडल देखते हो, डेली कैंडल MRF की, वो एक बहुत ही रेड और मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई है विथ वॉल्यूम, तो ये MRF मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। जो मेरा टारगेट रहेगा MRF शॉर्ट का वो 81,000 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस आज का दिन का हाई जो है वो अराउंड है 92,000, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सारे टायर स्टॉक्स में एक बड़ी तेज मूव लग रही थी और MRF के भी नंबर्स थे, और MRF तो एक बार के लिए ऐसा लग रहा था आज सुबह ओपनिंग ट्रेड में, इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे शायद हो सकता है 1 लाख भी बहुत जल्दी फिगर देख ले, लेकिन जिस तरह का डेंट पड़ा है, एक तो इतना बड़ा स्टॉक है, 9% आपको नीचे दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके STBT ट्रेड्स हैं और BTST ट्रेड्स भी आपने शेयर किए। एक बार राजेश से भी उनके ट्रेड्स ले लेते हैं। राजेश, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? पहला स्टॉक बाय साइड रहेगा और वो रहेगा इंडियन बैंक। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनी और जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में एक डेली वीकली चार्ट पे एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिले और पूरा बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी बाइंग है, तो इंडियन बैंक पे हमारे यहाँ पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे करीब 280-285 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 263 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे BTST सजेस्ट करेंगे वो रहेगा पॉलीमेडिकल। स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज बना है और जिस तरीके से रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है डेली चार्ट पे, और स्टॉक में जो प्राइस एक्शन आज विद वॉल्यूम बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे अप मूव को यहाँ पे कैरी करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम 1,080-1,090 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 990 के आसपास। तीसरा स्टॉक होगा FHO साइड में और उसमें हमें लगता है कि कंटेनर कॉर्प को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन बना है, स्टॉक में ₹800 के ऊपर अब आज की क्लोजिंग आते हुए दिख रही है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अब यहाँ से नेक्स्ट टारगेट जो बनाते हुए दिख सकता है वो करीब 840-850 तक यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। 790 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, कंटेनर कॉर्प होगा थर्ड स्टॉक। ओके ठीक है, बैंक्स में एक और स्टॉक ऐड किया राजेश ने, और कॉनकॉर जो जिसमें ऑलरेडी अच्छी मूव है उस ट्रेंड के साथ ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं राजेश। ठीक